there's this one thing I do. I just ate. Oh, I'm about to die. So guys, welcome to another vlog. Today I was late at 8 o'clock. Cause you gotta work, dude. बहुत सारा काम है. मैं इतने दिन से लेट उठ रहा था, तो मैं जिम नहीं जा पा रहा था, दूसरे काम भी नहीं हो रहे थे. उठ के फिर 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर उसके बाद अभी खाना खा लिया. मैंने अभी खाना खाया, मुझे जिम जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है. बट हमारा जिम 12 से 4 बंद रहता है और अभी बज रहा है 11. अगर मैं अभी 1 घंटे का वर्कआउट करके नहीं आया तो फिर मैं सीधे 4 बजे जाना पड़ेगा. आई एम सो गॉड डैम स्लीपी. मेरी आंखों में तो मैं नींद दिख रही है, बट काम करना पड़ेगा. वी गॉट अ हसल ब्रो. Back to the pavilion. No, so chocolate थोड़ी ज़्यादा हो गई तो कड़वा हो गया. It works. So from the past 7 days, I have been planning and tracking my days. क्या करना है, किस sequence में करना है, कब करना है, वो इतना specifically नहीं. वो भी क्यों वो बताता हूँ. And this is what I learned. But we are not going to talk here. Let's change the location. To find out what I got from this, we need to ask the question why I did it in the first place. अभी मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, प्लस पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ मैंने सोचा था कि रील्स और ये भी कॉन्स्टेंटली बनाएंगे. मेरा टाइम कहाँ जा रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि दिन शुरू हो रहा है और मैं बस काम करते 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 एंड तक पहुँच जाता है. पता ही नहीं चलता था वेयर इज माई टाइम गोइंग. तब मैंने सोचा कि अपने को अपना टाइम भी ट्रैक करना पड़ेगा. तो ये पूरी गाथा करी ये बताने के लिए कि ये सब किया क्यों. अब सबसे पहले मैंने दिन स्टार्टिंग में ट्रैक करना ऐसे शुरू करे थे कि 8 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे. 1-2 दिन में समझ में आ गया कि ऐसे नहीं होने वाला. फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया बस सीक्वेंस लिख दूंगा कि इसमें ऐसे ऐसे करना है, जिम करना हैंगे, इसके बाद एडिटिंग. एंड दैट वर्कड आउट टू बी वे बेटर सॉल्यूशन. मोटा मोटा पूछोगे कि यश इससे फ़ायदा क्या मिला. पहली चीज़ तो टाइम बच रहा है, क्योंकि हर दिन मेरे को बैठ के सोचना नहीं पड़ रहा था कि क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या किया था लास्ट टाइम. सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान था. सेकंड चीज़ ये हो रही थी कि मैं एक रूटीन सेट कर पाया कि इस टाइम पे एडिट करूँगा, इस टाइम पे आइडियाज़ थिंक करूँगा. और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, माइक्रो मैनेज तो हो ही रहा था, बट इसकी वजह से मैं पिक्चर को होल में भी समझ पा रहा था. सिर्फ नेक्स्ट दिन की वजह मैं अब आगे के 3-4 दिन भी प्लान कर पा रहा था. नाउ विल आई रिकमेंड दिस. अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देन आई वुड हाईली रिकमेंड इट. बस ध्यान रखना कि फ्लेक्सिबल रखना, तुम ट्रैक करने की कोशिश करना, क्यूज देना खुद को. डोंट ट्राई टू प्लान एवरी इंच ऑफ योर डे. दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ट्रैकिंग माई डेज, और आगे भी मैं ऐसे करता रहूँगा. देखो मम्मी ने क्या कर दिया. मम्मी व्हाट इज दिस बिहेवियर, ध्यान कहाँ है आपका.